तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर, केम छो गाइस, यार आई एम बैक ऑन माय चैनल बेटर टुगेदर हैशटैग सुना। एंड मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे भाई, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, साबिर भाई की शादी है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किए थे, मुझे एंड मेरी फैमिली को। सो बस हम लोग वेन्यू पे पहुँच गए, इसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जूम है, ट्यूलिप स्टार एंड फाइव स्टार है, लेट्स सी। खाते मस्त रहते, मचाते हैं, ये है पूरी जनता जो रेडी हो चुकी है। ओके हेलो, चलो जाते हैं, ठीक है। अरे यार उसका नहीं आ रहा है, देखा स्मार्टी, रुक जाओ, वापस रिटेक कर। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह स्मार्ट दिख रहे हो। जाएंगे जब स्टेज पे जाएंगे तभी देंगे साबिर को। ओके सो गाइज, हम अभी अंदर एंटर हो चुके हैं और हमें ऐसा लग रहा था कि हम काफ़ी लेट है, बहुत लेट जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। अभी तक के कई लोगों की एंट्री हो रही थी और ब्राइड एंड ग्रूम्स की भी एंट्री बाकी थी, उनकी भी नहीं हुई थी, तो शुक्र है हम लोगों को कैप्चर कर पाएंगे और आपको भी दिखा पाएंगे। हेलो सना, घूमो ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ जी हाथ पकड़ के चलो, दोनों का नया पैर किधर है गाइस। ये पूरा खाने का काउंटर था, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे और हम लोग का मतलब क्या ले क्या खाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ़िलहाल तो अभी सब जितना भी खाना है वो ढक के रखा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें बन रही थी, क्योंकि अभी किसी ने खाना स्टार्ट नहीं किया था, वो सब बाद में होने वाला था। तो आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें हैं और हम लोग एंड में सब लोग जो पब्लिक है वो कैसे टूट पड़ेगी। सो एंजॉय, स्टे ट्यून। गाइस जो स्टेज था वो इतना ब्यूटीफुल था, मैं आपको क्या बोलूँ, वो मतलब
पिक्चर से वो ज़्यादा रियल में अच्छा लग रहा था। एक एक डिटेलिंग उसकी बहुत अच्छी थी और वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मतलब मैं तो सिर्फ उसी को देख रही थी। और स्पेशली जब ग्रूम एंड ब्राइड की एंट्री हुई तभी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसमें लाइट्स अलग अलग आ रही थी, तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो यहाँ हम लोग सब दूल्हा दुल्हन का वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और वो लोग की एंट्री हुई नहीं थी, तो हम लोग वही वेट कर रहे थे वो कब आएंगे, हम लोग कब उनको गिफ्ट देंगे, इन लोग से मिलेंगे, फिर सब लोग खाना खाने जाएंगे। एंट्री हो गई, तो गाइज ये देखिए सबसे अच्छा सीन था ये, वो स्टेज इतना अच्छा लग रहा था। आप भी प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सुन तो ऐसा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे ना, सीरियसली मज़ा आ रहा था हम लोग को। और मुझे सबसे ज़्यादा जो पीछे ना फ्लावर की वॉल लगी थी, मुझे वो इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा उसको उठा के लेके जाऊँ मैं अपने साथ पे। बट बहुत अच्छा था, डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, पूरी शादी बहुत अच्छी थी, एकदम ग्रैंड शादी थी और बहुत इन्जॉय किया हम लोग ने। यहाँ पे टीम 07 की टीम से भी आए थे, अदनान आए थे और फैसल शेख आए थे। पहले तो मैंने उनको पहचान ही नहीं क्योंकि उनके बाल बहुत छोटे छोटे हो गए थे, तो मैं उनको पहचान नहीं पाई। और साथ में मुफ्ती साहब भी थे, सना खान के हस्बैंड, तो चलो मिलते हैं इनसे। सूर्य ये रहे वो तीनों, और मैंने लोगों का इतने अच्छे से पूरा वीडियो लिया। और जब मेरी टाइम आई तो मेरे टाइम में सोहेल ने इतना छोटा सा मेरा वीडियो लिया था ना, मेरे को बहुत गुस्सा आया। सो माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये पता नहीं उनके कान में क्या बोल रहे थे बार बार, अल्लाह जाने। सो गाइज ये है सना खान, जो कि माशाल्लाह रियल में बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो इतनी प्यारी लग रही थी ना, उनको देख के मन कर रहा था बस उन्हीं को देखती रहो। तो हमने उनके साथ में छोटा सा वीडियो भी क्लिक किया और फोटोज़ भी लिए, एंड शी वॉज़ वेरी स्वीट। और ये जो ब्यूटीफुल कपल आप देख रहे हो, ये मैं और मेरा सोहेल। सो हम लोग फाइनली अभी स्टेज पे जा चुके थे उनको गिफ्ट देने के लिए और विश करने के लिए बहुत सारा, और कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। सो अभी हम लोग दूल्हा दुल्हन के पास ही जा रहे हैं उनसे मिलके। ये है ली, ये लोग सब ऐसे बाल अपने संवार रहे हैं जैसे लोग का मिरर सामने रखा हुआ है। सो अभी हम अपनी जगह पे आके बैठ गए थे और थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। इसके बाद में हम लोग जाएंगे सब खाना खाने के लिए क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग आए थे और भूख लगी थी। सो अभी चलते हैं खाने की तरफ।
और यहाँ पे ये लोग भी खाना खा रहे थे माशाल्लाह, सब एक साथ में बैठे थे ये लोग, और इन लोगों का भी खाना चल रहा था। उसके बाद में हम जाएंगे अब कुछ खाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ने पानी पूरी खाई, और सच में मतलब मुझे पानी पूरी बहुत अच्छी लगी। मुझे पहले से ही ठंडे पानी की पानी पूरी अच्छी लगती है, और वो बहुत अच्छी लगती। हालांकि मैंने खाना कुछ नहीं खा पाई, इतना सब तो ले लिया था पर उनसे खा ही नहीं गया। और देख के बोलते हैं देख के मन भर जाता है, तो वो मेरे साथ सीन हो गया था। तो मैंने सिर्फ पानी पूरी खाई और हल्का सा थोड़ा एंड में डिज़र्ट खा लिया था। गाइज़ हम लोग फिर खाने के लिए क्यू में लगे थे, जो कि काफ़ी लंबी थी, क्योंकि सब लोग थे खाने के लिए आ चुके थे, क्योंकि स्टार्ट हो चुका था। और ये लोग ने ऐसा प्लान बनाए थे मेरे ग्रुप वालों ने कि एक प्लेट में सब लोग मिलके मेन कोर्स लेंगे, एक कोर्स में पूरा डिज़र्ट लेंगे, और एक प्लेट में सब स्टार्टर्स लेंगे। तो ये लोग ने इतना भर दिए थे, तो जब खाने के लिए बैठे तो किसी की हालत हुई नहीं इतना सब देख के, तो बस ले लिए और खाने को नहीं हुआ। खाना खाने से पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और फोटोज क्लिक किए हैं, वो एंड में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लाइन में लगे हुए हैं, स्टे ट्यून्ड। मैं नहीं खाना, तो मेरा एक भी खा लिया। यहाँ पे ये सभी भुक्कड़ लोग डेरा लगा के प्लेट देखो कितनी भरी है सबकी। ये 10 जन्मों का खाना खाया जा रहा है। हाँ जान आए, देखो बस बोलो, मैंने कुछ खाई नहीं अभी तक। झटक झटक के बस बस जोर से एकदम मिलता जोर अभी हम आ गए हैं डिज़र्ट की तरफ। डिज़र्ट में भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी, इतने सारे ऑप्शन देख के हम लोग फिर कंफ्यूज हो गए थे कि क्या लेना है, बट सब लोग ने इस बार भी वैसे ही थोड़ा थोड़ा लिया।
और उन्होंने पहले भी खाना वेस्ट नहीं किया था, जितना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा 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 करके ये लोग ने पूरा खाया, वेस्ट नहीं किया कि फेंकने में आएगा इसीलिए खा लेते। और अभी डिज़र्ट बहुत ज़रूरी था उसके बाद में, तो यहाँ पर आए थे हम लोग खाने के लिए। बस रबड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। नहीं, इसको रसगुल्ला कहते हैं। देख, इतना जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, हम लोग आए थे ट्यूलिप स्टार साबिर भाई की मैरिज में। एंड यही आपको बोलना चाहता हूँ कि बने रहिए, फंक्शन हो चुका है ख़त्म, मस्त था, खाना भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत बहुत खाए, इतना सारा हुसैन हाँ, और बहुत सारी खुशियाँ साबिर भाई के लिए, उनकी वाइफ के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेज, हमेशा खुश और हैप्पी रहना। ये साबिर भाई के छोटे भाई, ये मेरा ग्रुप, ये सनू, एंड बस अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद बेटर टुगेदर, हैशटैग सोना, एंड ऐसी खुशियां बटोरते रहेंगे, बांटते रहेंगे, मचाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I'm on the ground.